हमारी भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती शांति मेहता जी यहाँ पर मौजूद हैं। तुम्हारा काय का पार्ट है? मेरा सुग्रीव हुआ भाई। गौरी के लिए मोबाइल भी ले लिया है और हम चल रहे हैं घर के लिए सीधे। हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हाउ आर यू? आई होप कि आप सब लोग बड़े होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त हूँ। और आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा पहला प्रणाम नमस्कार और छोटों को प्यार। तो भाई हमारी प्यारी बिटिया गौरी का बर्थडे भी आने वाला है, तो हम जा रहे हैं आज उसके लिए शॉपिंग वगैरह करने के लिए। इस बार हम गौरी का बर्थडे कुछ यूनिक करने वाले हैं, तो अभी मैं और पिंकी जो है शॉपिंग को जाएंगे। और कल रात विजिता भी आ चुकी है घर, तो फिर दिन में जो है मैं और हम बच्चे लोग भी जाएंगे उसके कपड़े वगैरह लेने के लिए। तो अभी मैं और पिंकी जाते हैं मार्केट को। हेलमेट पहन दे, हेलमेट क्या पहन दिया? सेफ्टी। तो भाई पहुंच चुके हैं हम सुबह सुबह मार्केट, और क्योंकि तो मैंने अभी घर में नहीं बताया था क्योंकि गौरी के बर्थडे के जस्ट दो दिन बाद जो है कहते कड़वा चौथ भी है, तो कहते मैंने पूजा के लिए एक सरप्राइज साड़ी भी लेनी थी, तो मैं अभी पिंकी तभी आ गए थे। मैंने कहा चलो पहले साड़ी वगैरह ले लेते हैं। साड़ियाँ खोली मम्मी, ये तू रख ले पूजा, ये पिंकी तू रख ले। मत कहो भैया हो गया होता ही है। तो भाई हमने यहाँ से पूजा के लिए ले लिए हैं, एक के बदले दो साड़ियाँ ले लिए। मैंने कहा करवा चौथ में भी काम आ जाएगी, दिवाली में भी, क्योंकि दोनों हमें बहुत पसंद आ गई थी। कल ले हम आगे के लिए कुछ और काम के लिए निकलते हैं। चलो तो भाई गौरी के लिए मोबाइल भी ले लिया है और हम चल रहे हैं घर के लिए सीधे, क्योंकि वहाँ नीवी परेशान कर रही है बस। तो भाई घर भी पहुंच चुके हैं। पूजा क्या कर रहे हो? अरे सामान कह रहा हूँ, बाजार जाने में कैसा हो जाता है? कहते वो जाम अलग भाई को देख तो आजकल, वो कहते क्या कड़वा चौथ वगैरह का भी वो हो रहा ना, जाम इतना लगा है बहुत ही। वो तो अच्छा फिर मैं टाइम से चलेगा, शुरू में काम हो रही थी, बाद बाद में भीड़ हो गई। छोटी नहीं वहाँ वो पूरे पिछले साड़ी वाड़ी देख रही थी कुछ, और कहते कि उसके बाद ये कहते वो लिए ये गौरी के लिए वो भी ले आया मैं। अरे वो हाथों पहनने का ड्रेस ले कर, तो मैंने कहा अभी मत दिखा देख लेना। मैंने कहा बड्डे सरप्राइज रहेगा घर के गौरी का। हाँ एक मोबाइल ले आज मोबाइल हाँ अरे यार वो कब से कह रही थी यार, वो कहीं किसका मोबाइल पकड़ लेगी, कभी किसका पकड़ लेती थी। मैंने कहा एक ले लेता हूँ, अब वो सरप्राइज है तुमको तो दिखा दूंगा, लेकिन कैमरे में दिखाऊंगा मैं देखी थी ठीक है, करो फिर तुम बना दिया। हाँ सुनसान जगह जा रहे हो, बच्चे कहाँ गए? अच्छा फिर शाम को बाजार जाना है। और अभी मैंने मम्मी ने भाई साहब के साथ भी जाना है जरा मार्केट, कुछ और सामान भी खरीदना है। हाँ अच्छा कंबल नीचे बहुत बड़ा हॉल है, आराम से आना। अभी हम आए हैं पंजाब हौजरी पे, तो थोड़ा हमने यहाँ से जो है कंबल वगैरह खरीदने हैं, और वो हमने क्यों खरीदने हैं वो आप ब्लॉग में देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। चंद्रवान होने लग गए यहाँ, कहता तैयारी है तुम्हारी दिवाली की? हाँ भैया कुछ लोगों का पोत भी दिए हैं और कुछ लोगों का अभी पोत रहे, आपके वहाँ आज पुताई कर रहे हैं। अच्छा ब्लैक पेंट होगा गमलों में, ये रेड होगा ये। अच्छा मैंने कहा रेड बना रहा तो मैंने कहा इसमें तो नहीं कर रहा रेड, रेड हो जाएगा ना। तो अभी ये कहते इनको कब पलटोगे? इनको कुछ पलटने वाले हैं वो पलटेंगे, जो नहीं पलटने वाले हैं वो नहीं पलटेंगे। तो मार्केट से भी आ गया था और यहाँ चंद्रभान जी पहुँचे हैं गमलों में पेंट वगैरह करने के लिए, क्योंकि अब दिवाली भी आने वाली है, तो जो है गमलों में पेंट वगैरह हो जाएगा और जो गमले पलटने वाले हैं वो पलट दिए जाएंगे। दिन का भोजन वगैरह भी हो ही गया था और अभी आया हूँ बाहर को, यहाँ देखिए इन्हें करीब आधे से ज़्यादा गमले कर दिए हैं और बाकी अभी ये स्टैंडों में भी कर ही रहे हैं। बाकी आप किन को सौंप देते हैं हम इनकी जिम्मेदारी।
तो भाई मैं और पूजा भी हो चुके हैं तैयार मार्केट जाने के लिए। गौरी और बिज्जू तो पहले ही चले गए थे, हमने कहा यार तुम जाओ जब तक वहाँ अपना सेलेक्ट वगैरह करो और हम आते हैं करके थोड़ी देर में, नहीं तो वहाँ पर ऐसे हो जाता है चार जगह सेलेक्ट ही करते रह जाते हैं, टाइम बहुत लग जाता है। और मैंने कहा थोड़ा मैं भी अपना काम वाम कर लूँगा। मम्मी चल रहे हैं? हाँ, मम्मी का भी आज व्रत है। मम्मी कह रही है भाई मैं तो भी आ रही हूँ, तुम लोग जाओ। और मम्मी के लिए भी आलू की कुटके वगैरह सब बनाई दिए हैं और अब हम लोग चलते हैं। और वहाँ बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनका भी फ़ोन आ गया बच्चों का कि पापा कितनी देर में आ रहे हो करके, एक आध चीज़ें उन्होंने सेलेक्ट कर ली है। हेलो, कहाँ पहुँचे पापा? यार अभी तो निकले हैं, कुछ 15 मिनट पहले निकल ही रहे थे आप लोग। मैंने कहा कि बस तो यहाँ पे बहुत हो रहे हैं ना, वो लाइट वाइट बड़ी अच्छी आ रही है तो स्टूडियो में ऐसी फोटो वोटो खिंचा रहे थे। अच्छा, अब तुम खाने जाते हैं तब तक आप रहो, आओ स्टूडियो में आओ। स्टूडियो ही पहुँचते हैं फिर हम, कहते खाने का कहाँ, बाहर कहाँ जाओगे? बाहर क्यों जाएंगे, यहीं पे कुछ कुछ खा लेते हैं। हम पहुंच गए हैं और बच्चों का फोन आया था कि भूख लग गई है, कुछ खाते हैं करके। हाय बेटा, तो ये पहुंच चुके हैं मोमो। पानी कुछ है? पानी है बेटा, ठंडा पानी लेके आया हूँ। और कहते हम साथ में लेके आए थे परन को, हमने कहा क्योंकि बच्चे फिर अकेले हो जाएंगे, कोई बात नहीं ले आना, फिर अपने काम पे चले जाना ना, जिस समय भी आएगा फिर। हाँ मोमो खा ले, मोमो खा ले। क्या बात, भूख लग गई थी? तो भाई यहाँ पर के हमारे फेमस मोमो बनाते हैं फोक एंड स्पून। तो कहते ये ले भी लिए क्या? हाँ, बहुत ही अच्छे लग गए थे ना। अरे तो कौन सा भी, हम आई रहे तो रहे थे। तो मोमो वगैरह खाने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं जूडियो, जो यहाँ इनने अभी गौरी ने ड्रेस पसंद करी थी। देखते हैं यदि हमें भी पसंद आती है तो हम उसे लाइक करेंगे और ले लेंगे। नहीं, हमें इनका नहीं समझना। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए। अभी हमने जो है जो गौरी ने ज्यादा ड्रेस पसंद करी थी वो हमें भी पसंद आई, तो हमने अभी उसकी गौरी की एक ड्रेस तो हमने यहाँ से ले ली है। और अभी हम जा रहे हैं आगे को वॉक पे, ऑफ से देखते हैं कि कुछ और अच्छा मिल जाए। हाँ यार, बढ़िया आ रही ना यहाँ पर? पहुँच चुके हैं वॉक पे मॉल, तो अभी यहाँ पर अंदर काम चल रहे हैं, तो इधर से हमारी एंट्री बंद है, हम जाएंगे बैक साइड से पीछे की तरफ से। तो भाई वॉक पे भी हमें वहाँ पर कुछ पसंद नहीं आया और अब हम पहुँच चुके हैं ट्रेंड पे, तो यहाँ देखते हैं यहाँ का पसंद आता है। मेरा ही जलुआ जलुआ जलुआ। तो भाई सब जगह घूमने के बाद लास्ट अभी हम पहुंचे हैं अपने जोड़ वाले टेंट में, तो देखिए कहते क्या पता हमें यहाँ कुछ मिल जाए गौरी के लिए। तो बात पूजा गौरी बिज्जू तो चले गए हैं अंदर को, तो मैंने गाड़ी पार करनी थी, गाड़ी पार करके मैं भी जा रहा हूँ अब अंदर को। फर्स्ट फ्लोर में तो लोग दिखे नहीं, तो मैं लिफ्ट से आ गया हूँ, मैंने कहा सेकंड फ्लोर में देखते हैं। क्या हुआ, मिला कुछ? I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. खाली घूम रहा हूँ, मैंने कहा थोड़ा डांस वांस करते। तो भाई फाइनली यहाँ पर गौरी को मिल चुकी है ड्रेस, ले ली। वो ड्रेस हम आपको इनके बर्थडे में ही दिखाएंगे डायरेक्ट। तो अभी बिलिंग वगैरह भी हो चुकी है हमारी, कितना हो गया अमन भाई? 2194 कूपन लग गए। कितने लग गए, एक को दो दो? अच्छा। तो फ्रेंड घर भी पहुंच चुके हैं और किंग भी यहाँ इंतजार कर रहा है हमारा, किंग। तो भाई हम सब लोग हो चुके हैं रेडी रामलीला जाने के लिए, और मम्मी तो भाई पहले ही पहुंच गई है वहाँ। मम्मी ने तो भाई इस बार एक भी रामलीला नहीं छोड़ी है। अरे बड़ी देर कर दी आपने। हाँ नहीं, तो भाई यहाँ पर देखिए सब हमारे जो है गमलों में कलर हो चुका है, स्टैंडों में भी, और स्टैंड वगैरह सब तरीके से यहाँ पर लगा भी दिए हैं।
रामलीला के अध्यक्ष राज भसोड़ा जी रोज मम्मी को फोन कर दे रहे हैं कि आओ आओ करके टाइम से। भाई देखिए सब लोग यहाँ पर रेडी हैं रामलीला जाने के लिए, और निवी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है रामलीला के लिए, है निवी? आज क्या देखोगे वहाँ, आज क्या देखोगे, है निवी? एक ले लेके जबरदस्ती में तो कहते हैं किंग ले लेगा लॉकडाउन में। तो भाई यहाँ पर अभी लोग ललदा क्या हाल है नी, क्या बात, वापस आ गए क्या? नहीं यार मैं जी मैं गया था, बच्चे घर में थे। हाँ पहचान लिया। अरे प्रणाम यार, आज तुम लोग प्रभु हमारे हो, नौ दिन तक तो का पार्ट है। सुग्रीव अच्छे लग रहे हैं, सही हो रहा है? अरे आप तो हमारे मान लेते। हाँ हमारे साथ ही हमारी भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती शांति मेहता जी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बड़ी बहन या दीदी मेहता दीदी हमारी, और सभी क्षेत्र के गणमान्य लोग, शांति मेहता जी और मेरे पत्रकार भाई, चले गए। हाँ भाई बिल्कुल।